नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीईओ मेटास ओवरसीज लिमिटेड। आज मैं आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां बताने वाला हूं जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जो एक बहुत बड़े दार्शनिक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा समय की कदर करो। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक नदी को पार करने के लिए नदी के किनारे खड़े हुए थे और नाव का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक साधु आते हैं और वो कहते हैं कि स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैं इस समय नाव का इंतजार कर रहा हूँ। और तभी वो साधु कहता है आप एक मिनट रुकिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ नदी पार कैसे करते हैं। और वो साधु पैरों से चलकर पानी पर नदी के उस तरफ जाता है और वापस आ जाता है। और स्वामी जी से आकर कहता है कि आपने देखा, आप इतने फेमस व्यक्ति हैं, आप इतने नामी व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे शायद कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने जीवन में ऐसी शक्तियाँ अर्जित की हैं कि मैं पानी पर चल सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी शांत खड़े रहे, तभी नाविक वहाँ पर आया और दोनों साधु और स्वामी जी नाव में सवार हुए और नदी को पार कर लिया। नदी को पार करने के बाद स्वामी जी ने अपनी जेब से निकालकर 2 रुपये उस नाविक को दिए और साधु जी से एक प्रश्न किया कि हे महाराज, हे साधु जी, आप ये बताएं कि आपने योग्यता अर्जित करने में कितना समय लगाया। उस साधु ने कहा, मैंने अपने जीवन का 15 वर्ष का समय उस योग्यता को हासिल करने में लगाया। तो स्वामी जी ने कहा, ये काम तो आप 1 रुपये में कर सकते थे, आपने अपने जीवन के 15 वर्ष ऐसे काम में खर्च कर दिए जिसको आप केवल 1 रुपये में कर सकते थे। इसका मतलब आपने अपने जीवन का बहुत समय ऐसी चीज़ों में लगा दिया जो बहुत सस्ती थी, व्यर्थ थी। इससे अच्छा तो आप अपने जीवन के 15 वर्ष का समय लोगों के कल्याण में लगाते तो शायद आप भी पूरे विश्व में फेमस हो जाते। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी से हम एक बात समझते हैं कि हमेशा समय की कदर करो। इसीलिए कहते हैं कि समय रहते तय कर लो कि समय का आपको क्या करना है, समय रहते तय कर लो कि समय का आपको क्या करना है, वरना एक दिन समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। अगली जो प्रेरणादायक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो गौतम बुद्ध जी के जीवन की एक सत्य घटना पर आधारित है। एक बार गौतम बुद्ध जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे, तो ध्यान में मग्न थे। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति नकारात्मक सोच से भरा हुआ बहुत गुस्से में गौतम बुद्ध जी के पास आया और आने के बाद गौतम बुद्ध को बहुत उल्टा सीधा करने लगा, खरी खोटी सुनाने लगा। इस पर भी गौतम बुद्ध ने कोई रिएक्शन नहीं किया। तभी उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को गुस्सा दिलाने के लिए गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। उस व्यक्ति के अभद्र व्यवहार के बाद भी ना गौतम बुद्ध एकदम शांत रहे। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि हे महाराज, मैंने आपको इतने अपशब्द कहे, खरी खोटी सुनाई, यहाँ तक कि मैंने आपके चेहरे पर थूक भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपके चेहरे पर बहुत शांति बनी हुई है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि क्या अब मैं अपने दिमाग का नियंत्रण भी आपको दे दूं? मतलब गौतम बुद्ध ने कहा कि परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, समस्याएं कितनी भी जटिल हों, कोई व्यक्ति आपको कितना भी कंट्रोल करना चाहे, कोई व्यक्ति आपको कितना भी गुस्सा दिलाना चाहे, कोई व्यक्ति आपको कितना भी अपशब्द कहें, यदि आप उसकी भावनाओं के साथ जुड़कर आप भी गुस्से में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, तो इसका मतलब आपने अपने मस्तिष्क का नियंत्रण उस व्यक्ति को दे दिया। आपको कंट्रोल करना है अपने माइंड पर, अपने इमोशन पर, ताकि आप अपने मन के मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत कर सके। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाह्य आवरण क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका अंतर मन किस तरह से चीज़ों को स्वीकार करता है। इसीलिए अपने मन पर हमेशा नियंत्रण रखें। दोस्तों, अगली जो मोटिवेशनल कहानी है वो भी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की सत्य घटना पर आधारित है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में लोगों को संबोधित कर रहे थे, बहुत सारी बातें उनको बता रहे थे। तो वहाँ पर एक महिला ने स्वामी विवेकानंद जी को देखा और देखने के बाद वो महिला इतनी अंतर्मुग्ध हो गई, इतना प्रेम करने लगी। उस महिला ने हाथ जोड़कर स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, आपके बोलने की कला से मैं प्रभावित हो गई हूँ, आपके शब्दों ने मुझे प्रेरित किया है और मुझे आपसे प्यार हो गए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी कर लें। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं? उसने कहा, ताकि मैं आपका प्रेम पा सकूं, मैं आपका प्यार पा सकूं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि प्रेम करने के लिए ज़रूरी नहीं कि मैं आपसे शादी करूं, ये काम तो आप मुझे अपना बेटा बनाकर भी कर सकती हो। इतनी शालीनता से स्वामी विवेकानंद जी ने वो बात कही, वो महिला बहुत ज़्यादा भावुक हो गई और उसने स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में अपना मस्तक टेक दिया और कहा कि आप जैसा व्यक्ति ही धर्म की स्थापना कर सकता है, इतनी शालीनता से आपने मेरी बात का जवाब दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अपने लक्ष्य पर डटे रहो, आपको जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाने का काम करेंगी, लेकिन यदि आप दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य पर डटे रहेंगे तो आप हर उस योग्यता, हर उस उपलब्धि को हासिल करेंगे जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। अगली जो प्रेरणादायक बात है
वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी लाइफ में आपकी थॉट प्रोसेस क्या होंगे और आपके थॉट प्रोसेस के आधार पर ही आपके लक्ष्य निर्धारित होंगे और आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। एक बार की बात है, एक युवक एक गली में जा रहा था तो स्वामी विवेकानंद जी उस युवक को देख रहे थे। तभी उस युवक ने देखा कि कुछ कुत्ते उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं जो गली के पालतू कुत्ते थे। तो वो व्यक्ति तेजी से भागने लगा। जब भागने लगा तो कुत्ते भी उसके पीछे भागने लगे। वो और तेज भागने लगा, कुत्ते और तेज भागने लगे। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति को आवाज़ दी, हे युवक रुको रुको, आप भाग क्यों रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि कुत्ते मेरे पीछे भाग रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति को समझाया, यदि आप रुक जाओगे और इन कुत्तों का सामना करोगे, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओगे, तो ये आपके पीछे नहीं भागेंगे और ना ही आपको देखकर भौंकेंगे। उस व्यक्ति ने ऐसा ही कहा। तो स्वामी विवेकानंद जी ये कहना चाहते थे, ठीक उस तरह से आप यदि परिस्थितियों के सामने भागते हैं तो परिस्थिति विशाल रूप से आपके पीछे भागती हैं। ज़रूरत है अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने की, पॉजिटिव माइंडसेट को बनाए रखने की और परिस्थितियों के सामने खड़े होकर डटकर उनका सामना करने की। जब आप परिस्थितियों के सामने डटकर खड़े होंगे तो वो आपके पॉजिटिव थॉट से डरकर छोटी पड़ जाएगी। जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। ज़रूरत है तो केवल एक लक्ष्य के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन समस्याओं के सामने खड़े होने की, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समस्याओं का समाधान ढूंढने की। आप आसानी से हर समस्या से निजात पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव एटीट्यूड की जो कहानियां मैंने आपको बताई हैं, ये आपके जीवन को बदल कर रख देंगी। ज़रूरत है केवल और केवल दृढ़ निश्चय के साथ इन पर अमल करने की, क्योंकि दुनिया में जितने भी महानतम प्रेरणादायी लोग हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो भी बात कही है वो कहीं ना कहीं हमें हमारे जीवन में बहुत अधिक लाभ देती है। इसीलिए कुछ इम्पॉर्टेंट बात जो इन सभी बातों से निकल कर आती है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, थिंक पॉजिटिव। आपका जो दृष्टिकोण है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए जो पॉजिटिव बातों पर विचार करे। नकारात्मक बातों को आप कभी भी अपने जीवन में आने ना दें और दिमाग में अपना घर करने ना दें। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो आपका माइंडसेट भी पॉजिटिवली समस्याओं का समाधान ढूंढने में लग जाता है। उसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है नेटवर्क। दोस्तों, जीवन के सफलतम लोग एक नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सभी लोग काम की तलाश में निरंतर भटकते रहते हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों का नेटवर्क बनाएं और नेटवर्क से ही नेटवर्थ बनती है। एंड द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सरसाइज डेली एंड ईट हेल्दी। यदि आप एक सात्विक भोजन करते हैं ना, तो आपके शरीर में ऊर्जा भी अलग होती है, दृष्टिकोण भी अलग होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड भी होता है। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप हर तरह के स्ट्रेस को रिलीज कर देते हैं। इसीलिए अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन होता है और एक स्वस्थ मन ही पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। एंड द नेक्स्ट दैट इज वर्क हार्ड एंड स्टे स्ट्रांग। हमेशा कड़ी मेहनत करें और अपने मन को मजबूत रखें। विषम से विषम परिस्थिति का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखें। एंड द नेक्स्ट दैट इज बिल्ड फेथ एंड वरी लेस। वो कहते हैं कि चिंता चिता समान होती है, इसीलिए परिस्थिति कितनी विपरीत हो कभी चिंता ना करें, घबराए नहीं, और हमेशा अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ एक फेथ डेवलप करें, एक विश्वास डेवलप करें कि यस आई कैन डू दिस। और जब आप एक विश्वास के साथ किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में निकलते हैं तो आप आसानी से जीत जाते हैं। इसीलिए हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें। रीड मोर एंड बी हैप्पी। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें। दुनिया के सफलतम लोग हमेशा चीज़ों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और हमेशा खुश रहें। जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपने मन को खुश रखेंगे, उतनी ज़्यादा अपार संभावनाएं होंगी आपके सामने जीवन में आगे बढ़ने की। एंड द नेक्स्ट दैट इज वॉलंटियर फ्रीली एंड रिलैक्स। हमेशा अपने माइंड को ना रिलैक्स रखें और जो भी काम करें एज ए वॉलंटियर खुल कर करें, किसी भी चीज़ में संकोच ना करें। इसके अलावा लव योर लाइफ एंड लिव योर लाइफ। अपने जीवन से प्यार करें। जो लोग अपने जीवन से प्यार करते हैं ना, लोग भी उनसे प्यार करते हैं। और अपने जीवन में कोई ना कोई काम ऐसा ज़रूर करें कि लोग आजीवन आपको याद रखें। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने इन प्रेरणादायक कहानियों के बल पर आपको बताई हैं, समझाई हैं। इनका इम्प्लीमेंटेशन अपनी लाइफ में ज़रूर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।